एंड इफ यू ऑल रिमेम्बर हमने जितनी भी प्रीवियसली वीडियो अपलोड करी हैं YouTube पे उनमें दो चीज बहुत अच्छी हो रही है एक आपको लर्निंग के लिए बहुत मटेरियल मिल रहा है और जितना प्यार आप हमें कमेंट बॉक्स में दिखा रहे हैं उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद दूसरा अगर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के उनमें ट्रेड्स ले रहे हैं तो डेफिनेटली आपको वहां पे प्रॉफिट्स भी देखने के लिए मिलेंगे फॉर एग्जांपल हमने क्यूपिड का एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमें सिक्स परसेंट का प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है आज ही के सिंगल डे में सो so, मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आज भी जो वीडियो शरद जी इस पूरे टीम को आज लीड करने वाले हैं जो वो चार्ट दिखाने वाले हैं दैट इज लुकिंग लाइक अ प्रॉमिसिंग चार्ट और वहां पे एक अच्छी स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपको दिखने वाली है तो so, प्लीज इस वीडियो के कोई भी लेवल्स को मिस मत करिएगा पूरा एंड तक देखिएगा और डेफिनेटली आने वाले टाइम में अगर इसमें आपको प्रॉफिट होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएगा सो नाउ वी विल हेड टूवर्ड्स शरद जी जो की हमें इस पूरे एनालिसिस को लीड करने वाले हैं शरद जी थैंक यू सर हेलो व्यूअर्स तो चलते हैं अपने चार्ट की तरफ मैं शुरू करने वाला हूँ वीकली चार्ट से स्टॉक का नाम है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन अगर आप देखेंगे थोड़ा ध्यान से कि जो स्टॉक है हमारा पावर ग्रिड ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर में चल रहा है लोअर हायर लो और हायर हाईज बनाते हुए चल रहा है हर वीक यहाँ से यहाँ यहाँ से यहाँ यहाँ से यहाँ वीकली स्ट्रक्चर मतलब पॉजिटिव है डेली तो ऑफकोर्स पॉजिटिव हो गए ही दूसरा इसमें पॉजिटिव चीज क्या है अगर मैं जाके आर एस आई को देखूँ तो आर एस के ऊपर है तो फिफ्टी के ऊपर का मतलब है कि बुलिश है कुछ खराब नहीं है सब कुछ अच्छा है बोलिश है और आगे देखते हैं कि हमारे लिए क्या लेवल्स निकल के आते हैं डेली पे थोड़ा डिटेल में दिखेगा थोड़ा अच्छा दिखेगा थोड़ा अच्छा व्यू रहेगा हमारे लिए तो डेली बिना किसी देरी के डेली चार्ज की तरफ चलते हैं और वहां पे देखते हैं कि क्या क्या हमें मिल रहा है तो सपोर्ट और सपोर्ट्स और या रेजिस्टेंस क्या आ रहे हैं क्या बाइंग लेवल हो सकते हैं कहाँ पे हम ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं लगाना चाहूंगा एक ई एम ए ईमए के हिसाब से आप देखेंगे कि एक दो तीन और अभी ये सपोर्ट जोन ही दिखा रहा है कि स्टॉक अभी सपोर्ट जोन के बिल्कुल पास में है जी EMA के बाद मैं इसमें लगाना चाहता हूँ बहुत ही सिंपल रखेंगे बहुत आसान रखेंगे जिससे कि आपको समझना और ट्रेड करना आसान हो आपको काफी कंफर्ट आएगा इसमें अब ये देखिए बहुत ही सिंपल है कुछ इसमें एक्स्ट्रा काम नहीं किया है सीधा सीधा एक रेजिस्टेंस एक सपोर्ट है और देखिए ब्यूटिफुली काम कर रहा है इसी चैनल के अंदर मैं ईज के लिए थोड़ा सा ये मैं क्यों हटा देता हूँ इसके साथ में अब पीछे जहां से मैं ये आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखा रहा हूँ इस हिस्ट्री में क्या हुआ वो भी मैं एक थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ यहाँ पे ये शुरू हुआ था ग्यारह परसेंट का रिटर्न है सेकंड फिर से स्ट्रक्चर का हाई लगा था वहां पे दस परसेंट का रिटर्न है फिर चौदह परसेंट का रिटर्न है लो से हाई उसके बाद बारह परसेंट का रिटर्न है उसके बाद जो हम एक्सपेक्ट करें अभी भी दस से बारह परसेंट का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं ठीक है तो ये हमारा दिखा रहे कि जब भी नीचे सपोर्ट uh, पे टच करता है तो दस से बारह परसेंट का हमें रिटर्न इजीली देता है तो ये तो सीधी सीधी बात हो गई रिटर्न की कि कितने रिटर्न मिल सकते हैं तो क्या हम सिर्फ इन दो लाइन्स के ऊपर ही ट्रेड uh, करने वाले हैं ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि हमारे हमेशा से कोशिश रही है कि आपको कनेक्टिंग द डॉट्स करके हर जगह से ये दिखाएं कि आ, क्या बाइंग लेवल्स अच्छे हैं या कहां से ट्रेड लेना है या जो हम बात कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है कितना हम वेरीफाई कर सकते हैं तो इसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए हम जाते हैं एंकर व्यू ऐप पे अगर आप एंकर व्यू ऐप देखेंगे बड़ा सिंपल तरीके से इसमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट आ रहा है हमारा रेजिस्टेंस का जोन भी आ रहा है बीच का जोन भी आ रहा है हर एक चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्रिस्टल क्लियर इसमें दिख रही है तो ये भी एक हमें पॉजिटिव बताता है कि हम सपोर्ट जोन के बिल्कुल पास हैं या सपोर्ट जोन के पे ही हैं तो एंकर वीवे लग गया अच्छा और कुछ और तरीका है कि क्या हम किसी और तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं तो उसके लिए हम चलते हैं बहुत ही शानदार इंडिकेटर आर पे ये देखिए डेली आर भी बिल्कुल सपोर्ट पे है एंकर व्यू एप हमारा मैच कर रहा है हमारे स्ट्रक्चर uh, के लोस से हमने रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनाए थे वो भी बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहे हैं परसेंटेज वाइज भी हमारा सही चल रहा है तो मेरे ख्याल से uh, हम कई जगह से वेरीफाई कर पाए हैं कि स्टॉक हमारा सपोर्ट के पास है और हमें बिल्कुल ट्रेड लेना चाहिए तो अभी हम वापस आर uh, को हटा देते हैं इसको थोड़ा सा सिंपल कर देते हैं समझने में आसान हो जाए तो बाई कहां करना है सबसे बड़ा सवाल होता है कि बाई कहां पे करें बाई करने का बड़ा सीधा सा हिसाब है अभी चल रहा है टू फोर्टी टू टू फोर्टी थ्री यहाँ पे भी बाई कर सकते हैं या फिर वेट कीजिए टू फोर्टी पे बहुत अच्छी बाइंग होगी टू फोर्टी टू फोर्टी वन पे बाई कीजिए सेल कीजिए टू सिक्सटी सिक्स टू सिक्सटी फाइव के आसपास आपको लगभग बीस से पच्चीस पॉइंट के लिए ले करना है बीस से पच्चीस पॉइंट इस स्टॉक का 10 से 11 11 के आसपास बैठेगा 10 से एफएनओ सेगमेंट में बहुत अच्छी कमाई है इसके बारे में थोड़ा सा और बता दूं कि जब हम एफ सेगमेंट में ट्रेड करने जाते हैं तो जोखिम दूसरे तरह का हो सकता है सब कुछ सही दिख रहा है सब कुछ सही है लेकिन कोई एक खराब खबर ओवरनाइट कोई खराब खबर आ जाए या ओवरनाइट मार्किंग मार्केट में कुछ सेलिंग आ जाए बुरे सेंटीमेंट्स बन जाए दो तीन दिन के लिए तो यह हमें नीचे के लेवल्स भी दिखा सकता है जिसकी संभावनाएं कम है लेकिन हमें हमेशा जब हम एफ सेगमेंट के स्टॉक में ट्रेड करने जा रहे हैं तो हमेशा हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा कैपिटल कैसे प्रिजर्व होगा तो मेरी सलाह ये रहेगी कि अगर आप ट्रेड लेते हैं आपको कंफर्ट आता है तो प्लीज नेकेड ट्रेड ना लें कुछ ना कुछ हैच जरूर करके जाएं जिससे कि आपका जो लॉस होगा वो लिमिटेड होगा आप उस लॉस को वहन सहन करने की अगर क्षमता रखते हैं तो आप बिल्कुल ट्रेड करना चाहिए आपको और उस आ, उस एक एक आप अमाउंट रख लीजिए कि ये अमाउंट से ज्यादा का लॉस मैं नहीं लूंगा तो आप जब हेजिंग करके चलेंगे किसी स्ट्रेटजी के थ्रू चलेंगे तो वो पॉसिबल होगा कि आप आ, अपना जो कैपिटल प्रिजर्व करने का जो हमारी सोच है उसमें बिल्कुल सही चलेंगे तो बाइंग लेवल हमारे यही लेवल है 242 के अराउंड दूसरा है 240 हमें एग्जिट करना है 265 260 के अराउंड 20 से 25 पॉइंट के लिए सिर्फ ये ट्रेड है तो मेरा जो ये इसमें एनालिसिस था ये यहीं पे खत्म होता बहुत छोटा सा बहुत क्रिस्प एक एनालिसिस हमने किया था आप सभी लोगों के पैनल में जो हैं उनके कुछ क्वेश्चन है या आप व्यूअर्स की तरफ से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं जी ओम प्रकाश सर आपसे उम्मीद थी सर कि आप ही सबसे पहला क्वेश्चन पूछेंगे बताइए सर हाँ जरूर शरद जी मेरी आदत है क्वेश्चन करने की स्पेशली व्यूअर्स uh, का इंटरेस्ट ध्यान में रखते हुए तो सबसे पहले uh, आपको बधाई हो आपने uh, बहुत अच्छा बहुत अमेजिंग एनालिसिस किया इट वाज क्रिस्टल क्लियर वेरी शॉर्ट एंड वेरी प्रसाइज एनालिसिस आपने दो तीन इंडिकेटर्स यूज किए कनेक्टिंग डॉट्स के को फॉलो किया और जो हमारे ग्रुप की खासियत है कि बाय ऑन uh, उसी पे आपने ये स्टॉक रिकमेंड uh, किया है लोगों को आई एम श्योर दे विल बेनिफिट आउट ऑफ इट हालांकि आपने बता तो दिया है इसके टारगेट्स बाइंग प्राइस परसेंटेज टर्म्स में तो थोड़ा सा और इसको न्यूमेरिक टर्म्स वगैरह में आप बताना पसंद करेंगे जिससे कि थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे व्यूअर्स के लिए न्यूमेरिक टर्म्स में सर बहुत सिंपल है बाइंग हमारी 245 243 जो अभी लेवल चल रहा है वो है या फिर 240 है सेल मतलब हमें एग्जिट करना है 265 266 के आसपास थोड़ा सा एक दो पॉइंट और भी पहले कर सकते हैं दस से बारह परसेंट का मूव हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आ, हम क्या करते हैं कि कई बार हमें क्योंकि सपोर्ट पे खरीदने की आदत है तो हमें एक और आदत पड़ गई हमारे हमारे की वजह से कि हम लोग बड़े बड़े सपोर्ट ढूंढते हैं तो अः उन्होंने ही कहा है कि आप लोग सीधा सीधा सब कुछ इतना बड़ा बड़ा दे रहे हैं लेकिन आ, कई बार जो व्यूअर्स हैं हर एक तरह के व्यूअर्स हैं उनका अलग अलग मिजाज है तो किसी को बहुत छोटा ट्रेड चाहिए बिल्कुल आ, दस परसेंट वाला किसी को बीस किसी को तीस चालीस परसेंट किसी को पोजिशनल चाहिए तो उसके तहत फिर ये analysis मैं लेके आया हूँ कि जिसमें कि सिर्फ दस परसेंट का है और बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए मेरे ख्याल से मैक्सिमम आपका एक महीने के टाइम में ये हो जाना चाहिए मतलब अगले एक्सपायरी तक अगले मंथ की एक्सपायरी तक तो वो एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं तो बहुत सिंपल है सर 240 सौ के आसपास खरीदना है 266-265 के आसपास हमें एग्जिट कर जाना है दो तीन पॉइंट पहले भी एग्जिट कर सकते हैं अगर आपको कंफर्ट नहीं आ रहा है तो वंस अगेन थैंक यू शरद जी फॉर आंसरिंग माय क्वेश्चन लेकिन मैं व्यूवर्स को ये बताना चाहूंगा कि uh, ये जो छोटा सा क्रिस्प एनालिसिस दो चार्ट सिर्फ यूज करके आपको बताया ये ऐसा नहीं है लॉट ऑफ हार्ड वर्क हैज गॉन इनटू दिस शरद जी ने इसके ऊपर काफी uh, मतलब सारी चीजें मतलब टाइम की कमी को ध्यान में रखते हुए सिर्फ उतना ही आपको दिखाया है जितना कि आपके लिए जरूरी है बाकी उन्होंने काफी डिटेल्ड एनालिसिस करके ये आपके सामने लेके आए हैं सो वंस अगेन वेरी गुड एनालिसिस श्री थैंक यू सर देवेन भाई बताइए सर श्री थैंक यू फॉर एनालिसिस और 10% रिटर्न एफनो सेगमेंट में काफी अच्छा रिटर्न होता है अमाउंट के टर्म्स में

का प्यार ऐसे बनाए रहे हमारा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमारा टेलीग्राम चैनल है उसमें हम जो भी स्टॉक के लेवल है उसमें अपडेट है उसमें हम लगातार डेली अपडेट देते रहते हैं तो आपका टेलीग्राम चैनल भी लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और आपके जो फ्रेंड्स मित्र है उसको भी चैनल का आप

जी सर पहला चार्ट्स को लेकर चार्ट अपलोड कर रहे हैं और अगर हमारे टीम के तो सर मैं कैसे सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दूं इसका क्या सलूशन है सर कहीं ना कहीं तो एक लिमिट आएगी ना जहां पे हम इन्वेस्ट करना पैसा नहीं बचेगा बड़ा बड़ा आसान सा सोल्यूशन है व्यूअर्स को अपने कंफर्ट के हिसाब से जाना चाहिए आ, हमारे भी ना सुने आप खुद देखें खुद समझें जहां आपको कंफर्ट आ रहा है वहां ट्रेड करें आपको बड़े टारगेट्स नहीं पसंद है आपके अंदर उतना पेशेंस नहीं है तो आप छोटे टारगेट वाले ट्रेड लीजिए अपने अपने नेचर के हिसाब से जाइए जरूरी नहीं है कि सारे ट्रेड तो हम भी नहीं ले पाएंगे सर जितने अपलोड कर पा रहे हैं क्योंकि पैसे की भी कमी रहती है इतना पैसा किसी के पास भी नहीं है तो जहां कंफर्ट आए अपने नेचर के हिसाब से अपने कंफर्ट के हिसाब से जहां उन्हें आसानी लगे जहां उनको समझ में आता है उस पर ठीक है सर ग्रेट थैंक यू सो कुल मिला के आपको अपने नेचर के हिसाब से दोस्तों देखना और जितनी भी एनालिसिस हम डाल रहे हैं देखिए अगर आज आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो आज आपके लिए नया वीडियो है कल कोई और आएगा तो कल उसके लिए कोई नया वीडियो होगा इसलिए वो डेली बेसिस पे हम अपलोड कर रहे हैं और रिसेंटली हमने शुरू कराया कि शॉर्ट टर्म की भी वहां पे जो आइडियाज है लर्निंग आइडियाज है उनको हम आपके साथ शेयर कर सके

Okay. तो सर मंथली चार्ट पे प्रीवियस uh, क्या लो है सर इसका प्रीवियस दो सौ तीस अभी चल रहा है टू टू और यही में कैसे स्ट्रक्चर लो भी है सर जी राइट right? ओके okay. uh, तो टू थर्टी के नीचे पिछले दो महीने से नहीं गया है मैं क्लियर कट दिख रहा है uh, सर इसके बाद एक बार हेकेनश पे जाएंगे सर

लोग तो एक, एक दो दो परसेंट में ही हाँ काफी पैसा कमा लेते हैं वो डिपेंडिंग कि कौन कितने लॉट साइज में कर रहा है लेकिन आपसे मेरा थोड़ा सा रिक्वेस्ट है शरद जी थोड़ा सा ट्रेडिंग लॉट्स के बारे में एक आइडिया दे दें कि कोई ऐसा ना हो एक्सट्रीम के लॉट्स में चला जाए और उसको फिर वहां पे नुकसान या वहां पे वो ट्रेड मैनेजमेंट ना कर पाए तो ट्रेडिंग लॉट्स सब लोग अपने लिमिटेड रखें चेक करें वो ज्यादा जी बिल्कुल देखिए कोई चीज बहुत ज्यादा अच्छी दिख रही है इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा का पूरा पैसा एक ही जगह पे झोंक दे थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन कीजिए बहुत ज्यादा ग्रीड में आके या बहुत ज्यादा पॉजिटिव होके कोई भी ट्रेड ना करें अपनी लिमिट एक निर्धारित कर लीजिए उस लिमिट से ऊपर मत जाइए कभी भी आ, क्योंकि मार्केट प्रोबेबिलिटी पे चलता है कुछ भी हंड्रेड एक्यूरेट नहीं है Great, sir, और दोस्तों याद रखिएगा अगर हम दस वीडियो डालेंगे तो दस के दस में हम एक्सैक्टली exactly सक्सेसफुल नहीं हो सकते हम तीन में फेल होंगे हो सकता है हम चार में फेल हो जाए लेकिन आपसे एक प्रॉमिस जरूर है कि छह में जिनमें पास होंगे उनकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी मतलब उसमें जो रिटर्न होंगे वो काफी हाई होंगे और जिसमें हमारा फेलियर आएगा उसमें प्रोबेबली बहुत कम लॉसेस पे हम उसको बुक करेंगे सो बेसिकली इफ यू आर फॉलोइंग तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा आपको ओवरऑल रिजल्ट देखना पड़ेगा क्योंकि हंड्रेड कोई भी ठीक नहीं हो सकता अगर हम टेन रिकमेंडेशन दे रहे हैं तो नाइन चल सकती हैं एट चल सकती हैं लेकिन बाकी की दो खराब होगी तो उसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए ताकि आपके लॉसेस लिमिट रहे और आप प्रॉफिट जितनी बार भी करें उतनी बार हाई प्रॉफिट करें सो विद दिस गाइज थैंक लॉट फॉर वॉचिंग वीडियो एंड डी शुड थैंक शरद जी फॉर दिस वंडरफुल एनालिसिस सी इन दी नेक्स्ट वन बाय बाय टिल देन टेक केयर बाय बाय बाय